नमस्कार दोस्तों, माइनिंग मंत्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको क्रोस स्टॉक के बारे में बताऊंगा। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी तरह का वीडियो आपको पल पल मिलता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। इट इज़ अ डिवाइस यूज फॉर सेटिंग अ परपेंडिकुलर लाइन ऑन अ गिवन लाइन। एक गिवन लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन हमको ड्रॉ करना है तो इसके लिए क्रॉस स्टॉक को हम यूज करते हैं। इट इज़ अ डिवाइस यूज फॉर सेटिंग अ परपेंडिकुलर लाइन ऑन अ गिवन लाइन। दोस्तों, यह क्रॉस स्टॉक के दो पार्ट्स या फिर आप बोल सकते हैं दो टाइप्स होते हैं। सबसे पहला है सिंपल क्रॉस स्टॉक और दूसरा है फ्रेंच क्रॉस स्टॉक। सिंपल क्रॉस स्टॉक यह है दोस्तों, फिगर सिंपल क्रॉस स्टॉक का फिगर यह है और फ्रेंच क्रॉस स्टॉक का फिगर यह है। अब दोस्तों देखेंगे कि सिंपल क्रॉस स्टॉक होती क्या है। इट कंसिस्ट ऑफ टू पेयर ऑफ साइटिंग वेंस। यह दोस्तों साइटिंग वेंस या दो पेयर साइटिंग वेंस होती है इसमें। और साइटिंग वेंस का मतलब यहाँ से यह एक होल है होता है ताकि इस होल से इस होल तक दिखाई दे और इस होल से इस होल तक दिखाई दे। इसको बोलते हैं दोस्तों साइटिंग वेंस। इट कंसिस्ट ऑफ टू पेयर ऑफ साइटिंग वेंस विच आर सो एडजस्टेड डेट द लाइन ऑफ साइट पासिंग थ्रू वन पेयर ऑफ साइटिंग वेंस विल बी परपेंडिकुलर टू द अनदर पेयर ऑफ साइटिंग वेंस। दोस्तों यह जो साइटिंग वेंस है दूसरे जो साइटिंग वेंस है यह दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। देयर इज अ पोल हुज वन एंड इज पॉइंटेड। यह एक पोल है जिसका वन एंड पॉइंट किया हुआ रहता है। एंड दी साइटिंग वेंस आर फिक्स्ड ऑन दी पोल। दोस्तों देखते हैं कि इसको काम में कैसे लाया जाता है। यह जो साइटिंग वेंस है दो पेयर ऑफ साइटिंग वेंस होती है इसके अंदर। तो यह साइटिंग वेंस यहाँ से ऑब्जर्वर ये जो होल है यहाँ से इसको यह पॉइंट दिखेगा और यह पॉइंट से यह पॉइंट दिखेगा। तब तक वो ऐसा करता रहेगा जब तक कि यह पॉइंट से यह पॉइंट और यह पॉइंट से यह पॉइंट ना दिखे। और जब दिख जाए तो यहाँ से कोई ना कोई पॉइंट पे यह इंटरसेक्ट करेगी। इंटरसेक्ट करने के बाद दोस्तों वहाँ पे यह जो क्रॉस स्टॉक है उसको ज़मीन में गाड़ दिया जाएगा और इस तरह से उस पॉइंट को मार्क कर लिया जाएगा परपेंडिकुलर लाइन। व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड टू सेट द परपेंडिकुलर लाइन द इंस्ट्रूमेंट इज केप्ट ऑन द पॉइंट। जहाँ पे हमको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है तो वहाँ पे यह इंस्ट्रूमेंट को हम सेट करेंगे। वेयर परपेंडिकुलर लाइन इज़ टू बी सेट वन पेयर ऑफ साइटिंग वेंस इज अलाइंड अक्रॉस द सर्वे लाइन एंड परपेंडिकुलर लाइन इज सेट अप बाय साइटिंग अ रेंजिंग रोड थ्रू अनदर पेयर ऑफ साइटिंग वेंस। इन दिस वे परपेंडिकुलर लाइन कैन बी सेट बाय क्रॉस स्टॉक। अब दोस्तों देखेंगे कि फ्रेंच क्रॉस स्टॉक होती क्या है। फ्रेंच क्रॉस स्टॉक का डायग्राम मैंने आपको पहले दिखा दिया हूँ, अब इसके बारे में जानेंगे। सिंपल क्रॉस स्टॉक का है जो कि एक ऑक्टागोनल शेप में है और इसके अंदर फोर पेयर ऑफ साइटिंग वेंस होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह सब साइटिंग वेंस है। और दोस्तों इसमें भी यह एक पोल से जुड़ी हुई होती है। तो दोस्तों आप देखेंगे इसके फीचर्स के। इट कंसिस्ट ऑफ अ होलो ऑक्टागोनल सिलेंडर सेट ऑन अ पोल। यह जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया कि यह ऑक्टागोनल सिलेंडर सेट है ऑन अ पोल। स्लिट आर मेड एट द सेंटर ऑफ ईच साइड। जैसा कि मैंने आपको दिखाया जो साइटिंग वेंस है उसी को यहाँ पे स्लिट बोला जा रहा है। स्लिट आर मेड एट द सेंटर ऑफ ईच साइड ऑफ द ऑक्टागोनल सिलेंडर इन सच अ वे। यह जो साइटिंग जो स्लिट है इस तरह से सेट किया जाता है एट द सेंटर ऑफ ईच साइड ऑफ द ऑक्टागोनल सिलेंडर इन सच अ वे फोर पेयर ऑफ लाइन ऑफ साइट विल पास थ्रू अ कॉमन पॉइंट। ऐसा सेट किया जाता था कि दोस्तों जो फोर पेयर ऑफ साइटिंग वेंस है वो एक ही कॉमन लाइन से होते हुए गुजरे
और जो कि एक एंगल बनाए 45 डिग्री का। विल पास थ्रू अ कॉमन पॉइंट मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री ईच। सो वी कैन सेट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एज वेल एज 90 डिग्री। इसके द्वारा हम 45 डिग्री और 90 डिग्री के एंगल ज्ञात कर सकते हैं बाय फ्रेंच क्रॉस सिस्टम। इट इज मोर एक्यूरेट देन सिंपल क्रॉस सिस्टम। यह मोर एक्यूरेट होती है सिंपल क्रॉस सिस्टम से। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।